सो गाइस, क्या बीच में दोबारा से बैन होने वाला है? भी कुछ जिस टाइप की वो गलतियां कर रहा है, उन सभी को देख के तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। सो गाइस, सबसे पहले एनजीओ गवर्नमेंट को बोलती है कि भाई बीजीएमआई एक पबजी का कॉपी गेम है तो उसको बैन किया जाए। तो गवर्नमेंट उसका रिप्लाई करती है कि भाई पबजी एंड बीजीएमआई सेम गेम नहीं है तो हम बैन नहीं करेंगे। उसके बाद एनजीओ टेंसेंट से पूछता है कि भाई तुम्हारा बीजीएमआई या क्राफ्ट रन के साथ क्या कनेक्शन है, मेरे को एक्सप्लेन करो। तो भाई अभी एनजीओ भी लाइक झुकेगा नहीं। एंड गाइस, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, जब गवर्नमेंट ने किसी गेम को अप्रूव कर दिया एंड गवर्नमेंट इसको दोबारा बैन नहीं कर रही है बिकॉज अभी वो बिल्कुल सही पाथ पे है, तो ये एनजीओ पेनजीओ कहां से घुसे पड़े हैं भाई गेम को बैन कराने में? मतलब मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, बिकॉज पहले ऐसा होता था कि बहुत ज्यादा एडिक्शन था गेम का, आप सभी को पता ही होगा पबजी के नाम पे कितने सुसाइड होते थे, किसी का दिमाग खराब हो गया, कुछ हो गया, पता नहीं क्या क्या होता रहता था। बट बीजीएमआई का एक भी ये सुना है नहीं ना, क्योंकि देखो एक साल का जो गैप मिला ना उसकी वजह से भी खुद का मन नहीं करता हमारा कि हम बहुत ज्यादा गेम खेले, तो मेन एडिक्शन प्रॉब्लम थी एंड वो दूर हो चुकी है। बट गाइस, फिर भी कुछ लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है। मतलब एक्चुअली में यार, कोई घर में खाली बैठा है, उसको बस और कुछ काम नहीं है, बीजीएमआई, पोल्यूशन, पॉलिटिक्स, पता कुछ नहीं दिखता है उनको, बीजीएमआई बैन करो। उसके अलावा भी दुनिया में कुछ और चीजें हैं, थोड़ा देखो। बिकॉज एक्चुअली में गाइस, यहाँ पे सिक्योरिटी का भी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं रहा है बिकॉज सब कुछ इंडिया में हो चुका है, अभी इनको हर चीज से प्रॉब्लम है, तो भाई ऐसे गेम नहीं जी सकता। मतलब देखो एक्चुअली में सिंपल से देखें, यहाँ पे क्या सीन हुआ है एनजीओ का एंड फिर गवर्नमेंट के साइड से एंड टेंसेंट एंड बीजीएमआई क्राफ्ट, बहुत सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट है। मैं एक बार छोटा आपको फटाफट से डिटेल में बताता हूँ। देखो क्या हुआ, सबसे पहले जो आप ये बार बार एनजीओ सुन रहे हो, मतलब आप भी सोचो भाई क्या एनजीओ, एनजीओ तो वो है ना जो मतलब अनाथ वगैरह बच्चों की मदद करता है वैसे वगैरह, तो ये है कुछ उसी टाइप का बेसिकली। मतलब बहुत सारे पर्टिकुलर लोगों का कुछ एक मतलब वो लेता है कि बेसिकली किसी को प्रॉब्लम है एक टॉपिक पे एंड वो टॉपिक गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। मतलब ये एक प्राइवेट कंपनी है बेसिकली जो गवर्नमेंट को एडवाइस देती है कि भाई ये इंप्रूव करो, ये इंप्रूव करो, या ये गेम बैन करो, या ये करो वो करो। तो बेसिकली कोई ये बहुत बड़ी तोप नहीं है जो मतलब इसके मानी जाएंगे ऐसी चीजें, बहुत सारी चीज इसकी रिजेक्ट भी करते हैं गवर्नमेंट एंड बहुत सारी एक्सेप्ट भी करते हैं, तो कोई खास बात नहीं है। तो एक्चुअली में ये क्या कर रहा है, एनजीओ ने गवर्नमेंट को बोला कि भाई बीजीएमआई यहाँ पे कॉपी गेम है, पबजी मोबाइल का पूरा यहाँ पे कॉपी वर्जन है, जो कि ऑफकोर्स यहाँ पे मतलब उसके मैकेनिज्म है एक्चुअली में अगर हम देखें तो, मतलब दिख रहा है आप सभी को है ना, बट एक्चुअली में मतलब कॉपी उस टाइप से नहीं है कि बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी चीज जो गवर्नमेंट ने अलग करी थी वो सब यहाँ पे अलग है। मतलब जो गवर्नमेंट ने बोला था जो मतलब नहीं होना चाहिए पबजी का, जिससे हमें प्रॉब्लम थी या फिर हमारे सिक्योरिटी डेटा वगैरह वो सबको थी, तो वो सब चीजें यहाँ पे हटा दी गई है। तो उस वजह से बीजीएमआई एंड पबजी मोबाइल डिफरेंट गेम है। एंड वही यहाँ पे आईटी मिनिस्ट्री जिसने गेम को बैन किया था उसने बोला है कि बेसिकली जो पबजी एंड बीजीएमआई है वो सेम गेम नहीं है। अभी जो गेम बैन कर रही है मिनिस्ट्री, जो सबसे ऊपर इंडिया की मिनिस्ट्री हुई जो गेम बैन वगैरह देख रही है मतलब गेम के मामले में, तो एक्चुअली उसने मना कर दिया कि बेसिकली हम बैन नहीं करेंगे बिकॉज वो दोनों गेम सेम नहीं है। अभी एनजीओ यहाँ भी नहीं रुका, उसको कह भाई मैं रुकूंगा नहीं भाई, उसको जाना है अभी टेंसेंट के पास। अभी उसने टेंसेंट के ओनर से कहा है कि भाई आप हमारा आंसर करो कि बेसिकली आपका क्या कनेक्शन है यहाँ पे, बेसिकली बीजीएमआई के साथ आपका क्या लिंक है, कितने स्टेक हैं आपके, क्या है लीगली इनलीगली, मतलब सामने से कितने परसेंट स्टेक है एंड पीछे से आप क्या कर रहे हो ये वो, तो सब जानना है इस बड़वे को। सर ये तो भी यहाँ पे पूरा टेंसेंट भी डिपेंड करेगा, वो इन चीजों का आंसर देता भी है नहीं देता है, अगर उसको देना भी पड़ता है मजबूरी में तो देखा जाएगा क्या आंसर देगा, क्या एक्शंस होंगे। बट देखो एक्चुअली में बहुत सारे बंदे सोच रहे होंगे क्या भाई सही में गेम बैन होगा, हमें ये बताओ बस डायरेक्टली, बिकॉज ये सब चीजों में हमें इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज देखो यार गेम बैन हो रहा है ये सब ये डेली का कंसेप्ट है अभी। एंड एक्चुअली में देखो सीधी सी बात है, देखो गेम आईटी मिनिस्ट्री जो बैन कर सकती है उसने मना कर दिया, बैन नहीं कर रहे, तो भी कितना भी फुद के मतलब एनजीओ कहीं पे भी फुदक के भागता फिरे, टेंसेंट पे जाए वहां जाए यहाँ जाए। अभी एक्चुअली मेरे हिसाब से तो पर्सनली मेरा ओपिनियन यही होगा कि गेम को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक कि पबजी वाले मतलब बीजीएमआई वाले ज्यादा गड़बड़ मत करे, बिकॉज अभी किसी प्लेयर को गेम के अंदर ऐसे खेलते हुए हैकर वगैरह मिल जाता है, उसको रिपोर्ट करते हो तो आपको मेल बॉक्स में आंसर मिलता है, मतलब बेसिकली रिप्लाई मिलता है, जहां पे आपको पबजी मोबाइल देखने मिलता है, बीजीएमआई में लिखा रहता है थैंक्स फॉर सपोर्ट पबजी मोबाइल एज ऑलवेज वगैरह वगैरह, तो एक्चुअली में पबजी मोबाइल बीजीएमआई में नहीं आना चाहिए। एंड एक्चुअली में कोई ग्लिच है या फिर गलती से हो गया क्या हो गया, नीचे बैटल ग्राउंड भी लिखा हुआ है, तो ऑफकोर्स मतलब ये बैटल ग्राउंड का ही है एंड एक्चुअली में शायद कोई बग वगैरह हो गया होगा या फिर कौन मैनेज करता है अभी ये हैकर वगैरह वाला सीन, ज्यादा मुझे नहीं पता, बट एक्चुअली में ये जल्दी से फिक्स कर देंगे बैटल ग्राउंड वाले, बट ये चीजें वो करते रहते हैं तो ये ज्यादा बड़े अमाउंट में ना हो एंड छोटी छोटी फिक्स होती रहे तो सही रहेगा, बट अगर ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी तो हो सकती है गेम को प्रॉब्लम। बट हाँ, तो भी बैन वाली प्रॉब्लम तो यार बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मतलब दोबारा से गेम को बैन करना तो ये समझो कि बिल्कुल ही मतलब अभी कोई चांस नहीं है, बिकॉज एक्चुअली में
इतना बड़ा गेम अभी दोबारा से बैन होना पॉसिबल है बिकॉज आईटी मिनिस्ट्री ने खुद ही मना कर दिया। एंड ये लोग जो बोलते हैं यार, आप सब सोचते होंगे भाई कि हो सा बैन हो रहा है, अभी एनजीओ आया, अभी ये आया, अभी वो आया, तो देखो यार आएंगे जाएंगे, इनका यही काम है। पबजी के टाइम पे गवर्नमेंट ने खुद बैन किया था तो वो बैन हुआ था, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं बीजीएमआई को लेके, एंड बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि अनबैन ना करो पबजी को, एंड उसके बाद भी बीजीएमआई आया, तो देखो और उन लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट जब तक नहीं चाहती अपने हिसाब से तब तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली गेम को, एंड गवर्नमेंट ने बिल्कुल मना कर दिया है, तो चिल मारो, गेम बैन नहीं हो रहा है। एंड ऐसी चीज़ें आती रहती है, थोड़ा बहुत इग्नोर करा करो, बाकी इसके ऊपर मैं भी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा, वैसे बना दिया, एक डेढ़ महीना हो गया था यहाँ पे हमने बैन वाले टॉपिक पे बात नहीं की थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, एनजीओ ज़्यादा उछल रहा था। बाकी होपफुली गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक ले बाय गाइस।